अच्छे बच्चों नमस्ते। मैं निर्मल जी हैदराबाद से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूँ। हमारी कहानी का शीर्षक है और गुरुजी रो पड़े। कौन रो पड़ा? गुरुजी। हाँ, गुरुजी रो पड़े। बात उस समय की है बच्चों, जब स्कूलों में शुरू शुरू में दोपहर का भोजन नियम बनना शुरू हुआ, तो उस समय भोजन चूल्हे पे बनता था। चूल्हे से खूब धुआं निकलता था, पूरे स्कूल में धुआं भर जाता था। तो हमारी सरकार ने सोचा कि अगर हम स्कूलों में गैस सिलेंडर पर खाना बनवाना शुरू कर दें तो अच्छे से जो है क्या नाम, धुआं नहीं रहेगा स्कूलों में। तो स्कूलों में गैस सिलेंडर आ गया और खाना बनना शुरू हो गया। आप क्या गैस सिलेंडर पर खाना बनता है? बहुत अच्छे। तो वैसे ही एक स्कूल था जिसमें एक रसोईया थी जिसका नाम था रजपता, और दूसरी एक रसोईया थी जिसका नाम था फूलमती। रसोईया का एक बेटा भी था जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत ही शरारती था, लेकिन जिनके बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को रसोईये के लिए नौकरी पे रखा जाता है, इसलिए भोलू का नाम गुरुजी ने लिख लिया था। एक बार सरकार ने सोचा कि लाओ सबकी ट्रेनिंग करा दे, प्रशिक्षण करा दे रसोइयों की, कि कैसे गैस सिलेंडर जलाया जाएगा, कैसे चूल्हा जलाया जाएगा और किस प्रकार से खाना बनाया जाएगा। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर रसोईया रजपता और फूलमती दोनों लोग गई थी ट्रेनिंग करने, साथ में रजपता का बेटा भोलू भी धीरे धीरे पीछे पीछे चला गया। जब उस प्रशिक्षण हाल में पहुंचा तो भोलू को प्रशिक्षकों ने बाहर कर दिया, कहा तुम क्या करोगे अंदर, तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है। भोलू की इच्छा बाहर जाने की नहीं थी, लेकिन क्या करे, बाहर कर दिया गया। तो वो गया और खिड़की से अंदर ही झांक रहा था। किधर देख रहा था? अंदर, उसी कमरे में जहां ट्रेनिंग चल रही थी। प्रशिक्षकों ने भोजन बनाने की विधि और उसमें क्या क्या स्वच्छता होनी चाहिए इसको बताया, और इसको बताने के बाद गैस सिलेंडर में अगर अचानक आग लग जाए तो बुझाई कैसे जाएगी, इसके बारे में भी एक प्रयोग करके दिखाया। ये बात भी भोलू खिड़की से देख रहा था। बात उस समय की है, उस दिन बुधवार था। बुधवार के दिन जैसे रसोईया रजपता और फूलमती स्कूल में आई और चूल्हा जलाने के लिए, भट्टी जलाने के लिए माचिस की तीली जलाया, तैसे भक से वो आग जो है पाइप के रास्ते सिलेंडर पर जा लगी और भर 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 करके धू धू करके जलने लगा। दरवाजे के सामने ही था, खूब तेज लौ उठने लगी, कमरे में धुआं भरने लगा, बहुत तेज धुआं भरने लगा। सब लोग बचाओ 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 चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाने लगे और सारे बच्चे निकल निकल के भागने लगे, बस था छोड़ दी स्कूल से बाहर। गुरु जी ने सोचा लाओ देखें। अब गुरु जी दौड़े हैंड पाइप के पास, गए तो हैंड पाइप बिगड़ा हुआ था, पानी भी नहीं था, क्या करते। और भोलू, भोलू तो शरारती था ही, घुमक्कड़ भी था, कंचा भी खेलता था। आप लोग कंचा खेलते हो? नो सर। बहुत अच्छे बच्चे हो। तो वो स्कूल के पीछे कंचा खेल रहा था, जब स्कूल में शोरगुल सुना, आवाज सुनी तो आया। जब भोलू स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत तेज रसोईया के सामने भर 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 चल रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें। अच्छा, भोलू शरारती था, हमेशा बदमाशी करता था, बच्चे उसको डरते भी थे कि कहीं रसोईया का बेटा रसोईया बुआ मारने में लग जाए, इसलिए उसको कुछ बोलते भी नहीं थे। एक दिन नई नई चटाई भी लाए थे गुरु जी, और उस पर भोलू बैठा था, पत्ती लेके उसको काट दिया उसने। तो जब पत्ती लेके चटाई काट दिया था तो उसी दिन गुरु जी ने उसको डांटा था, कहा था आसे तुमको चटाई नहीं मिलेगी बैठने के लिए, बोरा लेके आना उसी पर बैठना। तो भोलू बोरा, भोलू जो है बोरा लेके आता था, बिछा देता था, बस्ता रख के निकल जाता था। उस दिन भी वो गया था, लेकिन जब शोरगुल सुना उसने तो दौड़ के आया। अब दौड़ के आया तो देख रहा रसोईया के सामने आग लगी हुई है, रसोई किचन सेट के सामने भर 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 चल रहा है, सारे बच्चे भाग रहे हैं, गुरु जी भी इधर उधर घबराए हुए हैं। तब तक उसको कुछ न सूझा, वो झट से गया और अपना टाट वाला भोला उठा लिया, और उठाने के बाद भी इधर उधर गया, कुछ नहीं दिखा। तो बुधवार को दूध मिलता है ना स्कूल के बरामदे में, भगोने में दूध रखा हुआ था, हैंड पाइप में पानी था नहीं। भोलू ने फट से बोरा उठाया,
ट्रेनिंग वाली बात उसे याद आई, गया और भगोने में डुबोया, और डुबोने के बाद जिस सिलेंडर में भर 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 चल रहा था उसी पर ऐसे भाप दिया। अब जब भाप दिया और चारों तरफ से पकड़ लिया तो आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, और जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई तो आग झप से बुझ गई। आग जब बुझ गई तो दोनों रसोईयां धुआं से अधमूर्छित हो गई थी, आधी बेहोशी की हालत में थी। उनको फट से बाहर निकाला गया, पानी का छींटा उटा मारा गया, और भोलू गया। गुरु जी ने भोलू को तो बहुत शरारती मानते थे, लेकिन भोलू ने अच्छा काम किया था। गुरु जी ने भोलू को गले लगा लिया और गले लगा के ठपक के रोने लगे कि जिसे हम इतना शरारती इतना बदमाश मानते थे, इतना अच्छा बच्चा था, उसने कितनी बड़ी घटना होने से बचा दिया। और गुरु जी की आंखों से आंसू आने लगे। धन्यवाद।